thank mm -hmm. you द्रम तन्ने ओम शांति 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 ही। नमस्ते सत्य कामना मात्र से प्राप्त होता है और हमारे सारे कर्म हमारे सारे व्रत हमारी सारी चेष्टाएं, उसी कर्म की उपासना के लिए ही हैं कि हम उस परम सत्य की जो सर्वव्यापक है सब के भीतर है सब में सुंदरता का कारण है हमारे मन में वह विकृत ना हो हमारी दृष्टि विकृत ना हो हम सत्य को सुंदरता को उसके मूल स्वभाव में देख सकें उसका सत्य दर्शन कर सकें इसके लिए हमारी दृष्टि की शुद्धि आवश्यक है हमारे बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान से बुद्धि ज्ञाने न हमारा जो ज्ञान है और वह शुद्ध होता है सत्संग से गुरु शुश्रुषा से हमारा ज्ञान शुद्ध होता है स्वाध्याय से ओमकार के जप और मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन से हमारा ज्ञान शुद्ध होता है ज्ञान से हमारी दृष्टि शुद्ध होती है और शुद्ध दृष्टि से जिसे हम दिव्य दृष्टि भी कहते हैं उससे हमें दिव्यता ही दिखाई देती है उससे हमें भगवत्ता ही दिखाई देती है सुंदरता अपने मूल स्वरूप में हमें दिखाई देती है और इसी का उल्टा यदि हम बुरे व्यक्तियों की संगत में हैं यदि हम बुराई बुरे आचरण बुरे व्यवहार बुरे चिंतन असत से जुड़े हुए हैं तो हमारी दृष्टि मलिन हो जाएगी उसी अज्ञान से उसी दुष्कर्म के दुष्प्रभाव से हमारा ज्ञान दूषित हो जाएगा हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी और बुद्धि अज्ञान से दूषित होती है ज्ञान से शुद्ध होती है और अज्ञान से दूषित होती है और हमारे कुकर्म कुचेष्टाओं से जो अज्ञान हुआ उससे बुद्धि दूषित हुई जब बुद्धि दूषित हुई तो हमारी दृ दृष्टि भी दूषित हुई बुद्धि और दृष्टि एक ही है बुद्धि ही हमें दिखाती है गलत चीज धारण होती है तो फिर उसी गलत दृष्टि से हम इस जगत को गलत देखने लगते हैं बुरा देखने लगते हैं और फिर जब हमारी दृष्टि में दोष आता है तो हमें हर जगह वही बुराई नजर आती है जो हमारे भीतर है परंतु अहंकारी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति जो मननशील नहीं है वह व्यक्ति कभी भी अपने भीतर बुराई नहीं देखता कि मैं कैसे बुरा हूँ बुरा तो यह व्यक्ति है दूसरा है बुराई इस चीज़ में है बुराई इस चीज़ में है ये चीज़ें हट जाएँ तो मैं भी अच्छा हो जाऊँगा परंतु चीज़ें हट जाती हैं लेकिन वही बुराई मन में रहती है चीज़ों को तो हम छोड़ भी सकते हैं सारी बुरी चीज़ें बुरे व्यक्ति यदि हमने छोड़ भी दी और हम उनको छोड़ करके कहीं 2000 किलोमीटर दूर भी चले जाएं तो क्या वो व्यक्ति शांत और समाधिस्थ हो जाता है वो व्यक्ति उन्हीं भाव को दोबारा से प्राप्त हो जाता है क्योंकि वो बुराई तो अपने अंदर ले के गया है बुराई जो उसने सदा इकट्ठी कर रखी थे और उसी बुराई में उसने सुख लिया और दोष हमेशा दूसरों को दिया दुख का कारण हमेशा दूसरों को माना लेकिन अपने को उसने ठीक माना अच्छा माना बुराई उसके अंदर इकट्ठी और वो इकट्ठी बुराई को लेकर के ही जाता है और उसी बुराई से फिर अपने आप को बुरा बनाता रहता है वो व्यक्ति कभी भी बुराई को सोचना विचारना चिंतन करना नहीं छोड़ता अगर छोड़ दे तो वो अच्छा हो जाए भले ही वो किसी के भी बीच में रहे लेकिन वो बुराई का चिंतन करना बुराई से सुख लेना छोड़ दे तो वो भला हो जाए लेकिन बुराई का चिंतन चलता है बुराई में सुख दिखता है और फिर वही बुराई में सुख देखने की प्रवृत्ति व्यक्ति को कभी भी अच्छा भला नहीं बनने देती और जो भला नहीं है उससे कभी भी भले कर्म नहीं होते और भले कर्म नहीं होंगे तो व्यक्ति जीवन में कैसे उन्नति को प्राप्त होगा व्यक्ति जब बुरा रहेगा तो वो दूसरों को बुरा मानेगा और फिर खुद को भी बुरा मानेगा कि मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता मैं तो बुरा हूँ और इसी बुराई के चिंतन में वो कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा अच्छा बन नहीं पाएगा अच्छा बनने के लिए तो हमें अच्छा सोचना पड़ता है कि हम स्वयं भी अच्छे हैं और सभी अच्छे हैं तो व्यक्ति जो भी करता है वो सब अच्छे कर्म होते हैं और अच्छे कर्मों से फिर व्यक्ति का उत्थान होता है अच्छे चिंतन से अच्छे कर्म होंगे और अच्छे कर्मों से जीवन महान बनेगा बुरे चिंतन से बुरे कर्म होंगे और जीवन नारकीय बनेगा नरक रूप हो जाएगा अच्छा चिंतन क्या है कि मैं भी अच्छा हूं और सब अच्छे हैं ये अच्छा चिंतन है बुरा चिंतन क्या है कि मैं भी बुरा हूँ और सब बुरे हैं ये परंतु जो साधक है वो देखता है कि जो भी बुराई वो सत्य दर्शन करता है कि मैं अपने को बुरा क्यों मान रहा हूँ अच्छा जो भी बुराई मेरे में है वो तो मेरे में ही है दूसरों का तो मुझे क्या पता दूसरे तो मेरी दृष्टि में भले हैं भले ही कैसे भी हो, लेकिन मेरी दृष्टि में दूसरे भले हैं दूसरों का कोई दोष नहीं है और जो बुराई मेरे भीतर मुझे दिख रही है उसको मैं बुरा चिंतन ना करके बुराइयों का रिपीटिशन ना करके मैं वैराग्यपूर्ण जीवन जी करके, अच्छे अभ्यास करके उसे दूर कर लूँगा और दूर कर लूंगा असत को दूर कर लूंगा दोषों को दूर कर लूंगा तो मैं भला हो जाऊंगा मैं भी भला हो जाऊंगा सब तो भले हैं ही मैं भी भला हो जाऊंगा और भले व्यक्ति से फिर भला ही कर्म होता है नहीं तो हमें दोष दिखते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले या कोई जो तन आपना झाका तो मुझसे बुरा ना कोई ये कबीर साहब जी का ये दोहा है कि बुरा मैं सबको मानता था लेकिन जब मैंने स्वयं को देखा स्वयं को टटोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं देखा मैं सबसे बुरा देखा लेकिन जैसे अपनी बुराई दिख गई वही अपनी बुराई से मुक्त हो जाता है बुराई दृष्ट से ही दोष से सुसूखा परिहारा बुराइयों को देखना ही बुराइयों से दूर होने का बुराइयों से मुक्त होने का पहला स्टेप है पहला कदम है बुराइयों को देखना जब हमने बुराई को बुराई देख लिया तो फिर कोई जानबूझ के बुरा काम करता है क्या बुराई व्यक्ति करता है लेकिन फिर उसको अच्छाई मान के करता है कि इसमें क्या बुरा है दुनिया कर रही है और मैं भी एक बार कर दूंगा तो क्या बुरा है इसीलिए उससे बुराई हो जाती है व्यक्ति बुराई को बुराई मान ले हम बुराई को बुराई मान लें तो फिर करना तो दूर हम उसका सोचेंगे भी नहीं हम सोचेंगे भी नहीं जैसे कि मल है मल मूत्र है उसको हमने बुरा माना है तो क्या वो कपड़े में लग जाता है तो क्या हम उसको लगा के रखते हैं एक दो घंटे हम तो तुरंत धो लेते हैं हाथ साफ कर लेते हैं साबुन से धोते हैं क्योंकि हमने माना है वो बुरा है इसलिए हम बुराई स्वीकार नहीं कर सकते बशर्ते हमें पता हो कि वो बुराई है इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिस चीज़ को मान लेता है कि यह बुरा है तो उसको करना तो दूर उसको सोचता भी नहीं हम मलमूत्र को सोचते थोड़ी हैं उसको हाथ में उठा करके के कपड़े में लगाना तो दूर की बात है हम उसको सोचते भी नहीं हैं कि हमने सुबह कितना मल त्याग किया शाम को कितना मल त्याग किया इतना तो हम सोचते भी नहीं और ना तो वो हमारे सपने में आता है नहीं आता सपने में जिसको हमने बुरा माना है वो नहीं आता चिंतन में परंतु फिर भी कई सारी बुराइयां हमारे मन में आती हैं जिनको शास्त्र कहते हैं कि ये बुरी हैं गुरुजन कहते हैं संत कहते हैं कि ये बुरी हैं नहीं आनी चाहिए लेकिन हमने नहीं माना हम तो उसमें रस लेते हैं हम तो जिसको वो बुराई कर रहे हैं हम तो उसमें सुख लेते हैं और यदि हम उसे बुरा माने तो फिर सुख मिलेगा ही नहीं फिर सुख बुराई में सुख थोड़ी मिलता है अच्छाई में ही सुख मिलेगा तो हम उसमें सुख चाहते हैं बुराई से किसी की निंदा करके किसी की चुगली करके किसी को चोट पहुंचा के किसी को कटु शब्द बोल के झूठ बोल के किसी की चोरी करके चीज़ों को खूब इकट्ठा करके या अब्रह्मचर्य व्यभिचार करके गलत दृष्टि रख करके हम क्यों करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें तो सुख है उसे हम बुरा नहीं मानते बुराई में तो दुख होता है अच्छाई में सुख होता है तो हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंश में तो उसे अच्छा मान रखा है और अच्छा मान करके हमने अपने मन के पवित्र जो स्थान ईश्वर के लिए था वो पवित्र जगह उसको दे दी जो तथा कथित हमने अच्छा मान रखा है उसे तो वो जो बुराई है लेकिन अच्छाई रूप बन करके हमारे मन में आती है और हमारे मन को मलिन करती है और फिर वो हमसे छूटती नहीं क्योंकि हम छोड़ना चाहते नहीं तो हम कितने भी कसम खाएं कितने भी व्रत लें कितने भी अनुष्ठान कितने भी बड़े संकल्प करें कितनी भी कसमें खाएं कितने भी उपदेश सुने सत्संग सुने हम उसे छोड़ते नहीं कि हम साधु भी बनना चाहते हैं संत भी बनना चाहते हैं ठीक भी होना चाहते हैं सही सही भी जीवन जीना चाहते हैं लेकिन हम उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं हो पाते किसी भी समय किसी भी दिन स्वप्न में भी राजी नहीं हो पाते स्वप्न में भी चीज़ें हमसे नहीं छूटती हैं स्वप्न में भी वही स्वप्न देखते हैं वही बुराई करेंगे वही स्वप्न देंगे वही बुराई करेंगे क्योंकि वो बुराई हमने अच्छी मान रखी है और हमने मान रखा है भले ही गुरु कह रहा हो बुरी है भले ही दुनिया के सारे लोग कर रहे हो बुरी है सारे ऋषि कह रहे हो बुरी है ईश्वर का वाणी वेद गीता भी कह रही हो बुरी है लेकिन हमने तो अच्छा माना है तभी तो हम उसे कर रहे हैं तभी तो हम उसे कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को अपने ज्ञान को अपनी बुद्धि को भगवान से भी बड़ा मान लिया ऋषियों से भी बड़ा मान लिया गुरुओं से भी बड़ा मान लिया कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है और फिर उसका तो हमको खामियाजा भुगतना ही पड़ता है उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा जो हम करेंगे जो हमने किया उसका फल कौन भोगेगा उसके संस्कार किसके चित्त में बनेंगे उसका अज्ञान किसे प्राप्त होगा उसी को प्राप्त होगा जो कर रहा है हम कर रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा इसीलिए हमको अपने आप को इतना अहंकारी नहीं बनाना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं जो सोच रहा हूँ वो सब सही है हमको चिंतन करना चाहिए कि जब भगवान कह रहे हैं वेद कह रहे हैं गीता कह रही है उपनिषद कह रहे हैं गुरु कह रहे हैं संत कह रहे हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो फिर मैं क्यों इस गलत चीज़ को अपने मन में आश्रय दे रहा हूँ अपने जीवन में आश्रय दे रहा हूँ अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो धन है समय काल वो समय में अपना असत में लगा रहा हूँ वो समय मैं अपना दोषों को करने में लगा रहा हूं जिससे कोई उपलब्धि नहीं हो रही है बस एक ही उपलब्धि हो रही है असत की उपलब्धि दुख की उपलब्धि दोषों की उपलब्धि नर्क की उपलब्धि अशांति की उपलब्धि हो रही है लेकिन इस पर तो हमें चिंतन करना होगा कि ये चीज हमको समझ में नहीं आती और फिर दोषों को कर कर के बुद्धि इतनी मोटी हो जाती है इतना अज्ञान हो जाता है कि हमें सही सही नहीं दिखाते सही सही दिखेगा नहीं तो सही सही हम करेंगे कैसे सारा रामायण सुन कर के हम रावण जैसा ही आचरण करें तो रामायण सुनने का मतलब ही क्या फिर तो हमने रामायण को अपनी तरह से सुना है अपनी तरह से सीखा है कि एक गया रामायण देखने के लिए और फिर घर में आया तो पिताजी ने पूछा कि तुमने रामायण से क्या सीखा तो कहा हमने रामायण से सीखा कि जो है हमको दूसरे की स्त्री पर गलत नज़र रखनी चाहिए क्योंकि रावण ने वही किया हमको अपने भाई को घर से निकाल देना चाहिए जैसे रावण ने विभीषण के साथ किया तो सीख किससे लेनी है राम से लेनी है कि रावण से लेनी है और हम रामायण देख के आए और सीख ले ली हमने रावण से तो रामायण देखने का क्या मतलब फिर तो रामायण ने हमारी हानि कर दी पहले ही ठीक थे देखने के कोई महाभारत देख करके आया और पिताजी ने पूछा कि हाँ तो हम महाभारत से क्या सीखे क्या सीख ली तो उसने कहा हमें जुआ खेलना चाहिए क्योंकि पांचों पांडव जुआ खेल रहे थे हमें जो है अपने भाइयों को कुछ भी नहीं देना चाहिए क्योंकि कौरवों ने अपने भाई पांडवों को कुछ भी नहीं दिया उनसे द्वेष किया तो ये बुराई सीखने के लिए थोड़ी महाभारत थी लेकिन जो उन्होंने सीखा वो बुराई ही सीखा क्योंकि उनके अंदर बुराई है तो वो जो भी सीखेंगे बुराई सीखेंगे जो भी देखेंगे बुराई देखेंगे अपनी आँखों से देख रहे हैं तो महाभारत सभी लोग देखते हैं तो ये थोड़ी कि सभी कृष्ण से ही सीखेंगे सभी विदुर से ही सीखेंगे रामायण में सभी राम से ही सीखेंगे भरत से ही सीखेंगे लक्ष्मण से ही सीखेंगे जितनी बुद्धि उतनी प्रकार की सीखें इसीलिए कहते हैं कि हम गुरु से सीखें गुरु मुख से सुने गीता रामायण वेद उपनिषद कि गुरु हमें बताए कि क्या चीज सीखने की है और किस प्रकार से जीवन में करने की है कि हम गलत चीज ना सीखें नहीं तो हम गुरु में भी दोष देखने लगते हैं शास्त्रों में तो देखते ही हैं चलते फिरते जो बोलता हुआ गुरु है जो जीवित गुरु है जो प्रत्यक्ष गुरु है हम उसी में दोष देखने लगते हैं कि इसमें तो ये बुराई है ये ऐसा क्यों कर रहा है ये वैसा क्यों कर रहा है तो ऋषि ने भी कह दिया कि यानी अस्माकम सूर्य चरितानी तानी, तानी त्वयाउपास यानी नो इतराणी कि अगर तुम्हें कुछ लगे कि कुछ बुराई है हम में तो फिर उसको ध्यान मत देना उसको मत सीखना लेकिन जो तुम्हें लगे कि अच्छाई है वो तो सीखो भले ही ऋषि में कोई बुराई नहीं है लेकिन बुरे व्यक्ति को जरूर लगेगा इसमें यह बुराई है तो उसके लिए कह दिया जो तुम्हें लगे हमें हो या ना हो लेकिन तुम्हें लग रही है बुराई है तो उस बुराई को साइड में कर देना उसे मत सीखना लेकिन जो तुम्हें अच्छाई लगे कि ये तो इसमें महानता है उसको सीख लेना ये जीवन है सीखने के लिए अच्छाई सीखने के लिए क्योंकि सीखने के लिए तो कई प्रकार की बुराई भी है असत भी है दोष भी है तो ये जीवन है सीखने के लिए अच्छाई सीखने के लिए और सीखना है करने के लिए सीखना केवल सिखाने के लिए नहीं बताने के लिए नहीं सीखना है वैसा जीवन जीने के लिए वैसा करने के लिए वैसा होने के लिए या एवं वेद स एवं भवती जो जैसा जानता है वह वैसा हो जाता है तो वो तो उसको तो सबसे बड़ा पाप कहा कि व्यक्ति जानता कुछ और है और करता कुछ और है। जानते हम तो सब हैं गुरु का ज्ञान है गुरु भी है वेद उपनिषद भी जान रहे हैं रामायण महाभारत का भी ज्ञान हमारे पास है जानने को तो हम सब जान रहे हैं लेकिन हम कर नहीं रहे तो जो ब्रह्म बुद्धि प्राप्त करने के बाद भी ब्रह्म जैसा आचरण नहीं करता जो सत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी सद आचरण नहीं करता जो अच्छी ज्ञानपूर्ण व्यवस्था भगवान की प्राप्त करके भी ज्ञानपूर्ण आचरण नहीं करता वो सबसे बड़ा पापी वो सबसे बड़ा दोषी कि उसे तो अब ज्ञान भी नहीं बचा सका गुरु भी नहीं बचा सका वेद भी नहीं बचा सके भगवान की कृपा भी नहीं बचा सकी तो अब उसे कौन बचाएगा कहते हैं जो तीर्थ में नहीं सुधरा वो कहाँ सुधरेगा जो गंगा नहा के नहीं सुधरा वो कहाँ सुधरेगा ऐसी एक कहावत है कि हर प्रकार के पाप का नाश करते हैं तीर्थ गंगा नदी में स्नान करके ऋषियों का दर्शन करके लेकिन जो तीर्थ में भी आश्रम में भी गुरु के सानिध्य में भी गुरु का सत्संग सुन करके भी शास्त्रों का अध्ययन करके भी प्रवचन करके भी जो नहीं सुधर रहे उनको तो और घनघोर नरक की प्राप्ति होगी कि उन्होंने भगवान की सभी प्रकार की कृपाओं का उल्लंघन कर दिया अतिक्रमण कर दिया और वो अभी भी उसी बुराई को ही अपना वेद बनाए बैठे हैं उसी बुराई को ही अपना ऋषि अपना भगवान बनाए बैठे हैं कि सब कुछ एक तरफ मैं जो कर रहा हूँ वो एक तरफ मेरा सुख तो उसी में है भले ही इस संसार को इस समाज को दिखाने के लिए तो अच्छा तो दिखना ही पड़ेगा लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है वही सही है एक कहानी हमारे पूज्य गुरु जी सुनाते हैं कि एक गांव में एक बारिश का मौसम था जैसे अभी है और उस बारिश में घर में खपरेल रहती है तो ऐसे खपरेल में घर रहते हैं एक के बगल में एक तो पानी गिरता है और खपरेल से पानी रिस रिस करके दूसरे के घर में जा रहा था उसके घर में तो छत से नहीं गिर रहा था लेकिन वो स्लोप पा करके दूसरे के घर में पूरा पानी जा रहा था और दूसरे के घर में पानी बढ़ने लगा बाढ़ आने लगी तो वो कहता है कि ये तुम अपने घर का ये कहीं और की तरफ मोड़ो पानी मेरे घर में आ रहा है तो वो नहीं सुनता लड़ाई हो जाती है पंचायत बुलाते हैं तो पंचों को बुलाते हैं कि देखो इसके घर का पानी बारिश होती है तो इसके घर का सारा पानी मेरे घर पे आता है आप कुछ बताइए इसको समझाइए मेरे से लड़ रहा है कि मैं नहीं इसकी दिशा मोड़ूंगा तो पंच कहते हैं हाँ भाई बात तो सही है कि ये जो तुम्हारा पानी है घर का ये सब छत से होकर के इसके घर में जा रहा है इसको बदलो तुम दूसरी जगह करो नहीं ये कैसे जीवन जिएगा तो वो जिसका घर होता है वो कहता है हाँ भाई बात तो आप लोग सही कह रहे हो पंचों आपकी बात सरमाथे पर, पर पतनाड़ा तो वहीं गिरेगा यानी पानी तो वहीं गिरेगा तुम्हारी बात ठीक है मैं मान रहा हूँ लेकिन पानी तो वहीं गिरेगा इसी तरह हम भी रहते हैं कि गुरु बात तो ठीक कह रहा है शास्त्र बात तो ठीक कर रहे हैं लेकिन हमारा जीवन तो वैसे ही चलेगा जैसे चलता हुआ आ रहा है जैसे पिछले जीवन में चला जैसे अभी पास्ट हिस्ट्री में चला वैसे वर्तमान में भी चल रहा हो आगे भी वैसे ही चलता रहेगा तो हम फिर सुन क्यों हैं फिर हम संकल्प क्यों ले रहे हैं फिर हम साधक क्यों बने फिर हम ढोंग क्यों, क्यों कर रहे हैं फिर हम जी ही क्यों रहें भगवान ने तो ये जीवन दिया है सत्य उपलब्धि के लिए असत के त्याग के लिए फिर हम सांस ही क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये सांस भी भगवान हमें दे रहा है कि हमसे बहुत बड़ी उम्मीद किए बैठा है कि इसकी मुक्ति होगी आनंद की प्राप्ति करेगा ये मुझको मेरा स्वरूप बन जाएगा ये अपने आत्म स्वरूप में जिएगा आज नहीं तो कल इसे बुद्धि आ जाएगी मैं इसे प्रेरणा दे रहा हूँ और हम सब प्रेरणा पा भी यही कह रहे हैं कि भगवान भी ठीक कह रहा है शास्त्र भी ठीक कर रहे हैं लेकिन मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है जो मैं कर रहा हूँ हम अपने को नहीं बदल पाते अपने असत से हार जाते हैं अपनी आदतों से हार जाते हैं और हम क्यों हारते हैं क्योंकि हम उसी चीज़ में सुख देख रहे हैं असत में सुख देख रहे हैं असत में सुख देखेंगे तो असत तो कभी दूर नहीं होने का है इसलिए हम सुख देखें जो भगवान है भगवान सुख स्वरूप हैं और अपने मन से भगवान का चिंतन करें अपने मन से भगवान का ध्यान करें क्योंकि बुराई कहाँ आती है बुराई तो मन में ही आएगी और कहीं बुराई थोड़ी आती है कि शरीर में आ गई बुराई या उंगली में आ गई बुराई बुराई कहाँ आती है बुराई मन में आती है काम क्रोध लोभ ये सारे विकार मन में आते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष मन ही जीवन को नरक बना देता है और मन ही जीवन को स्वर्ग बना देता है तो मन में बुरा चिंतन का स्वागत ना हो बुरे चिंतन का उपेक्षा हो ध्यान ही ना जाए ध्यान जाए सत्य में सत्संग हो जाए मन में सभी को हम उस भागवत दृष्टि से ही देखें कहीं बुरी जगह नजर भी जाए तो उसमें भी हम भगवान की ही छाप देखें भगवान का ही आवरण हम हर जगह देखें क्योंकि हर जगह ब्रह्म ही है ईश्वर ही है हरि ही है ओम ही है पुरुष ही है हर जगह वही है जिसकी सुंदरता जिसका आकर्षण हर जगह है तो हमारे मन में कभी भी ईश्वर के भगवान के भगवत्ता के अलावा कुछ ना आए ऐसी सभी को शुभकामनाएँ